गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो आवर टुडेज टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड। व्हेन वी यूज मोर देन वन मेथड, व्हेन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। ओके, दैट मींस मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब की प्रॉपर्टीज अलग अलग तरह की हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी हमें अलग अलग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। यूजिंग अ सिंगल मेथड हम सबको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हेन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, वी नीड टू यूज मोर देन वन मेथड। ओके, टू अंडरस्टैंड इट मोर we will do one activity that is given in your book, that is activity number 7. Okay, to separate sand and salt from their mixture, how we will separate it? Okay, for this things needed are mixture of sand and salt, water and a beaker. Okay, so what we have to do first, we will take this mixture of sand and salt in a beaker and add some water to it. Keep the mixture of sand and salt in a beaker and add some water. Okay, now salt will dissolve in the water. We know it very well that salt is soluble in the water, whereas sand is not soluble. Okay, so we will remain this mixture undisturbed for some time. What will happen then? That the undissolved sand is heavier than the water, so it will settle down in the bottom of the beaker. Okay, so we can separate the sand by decantation and filtration. We have learned these two things, decantation and filtration, in the earlier videos. Okay, so now we have separated the sand from the mixture. Now we are having a mixture of salt and water. Okay, so to separate salt from this water, what we will do, we will heat the mixture. Okay, then water starts boiling. Okay, that means water is converting into its vapor. Now we will collect this vapor and convert it again into the water by condensation. Okay, by cooling of this vapor, we can get the water back from the vapor. Okay, and this process is called condensation. We have discussed it also in our previous videos. Okay, so what is left behind in the beaker? The salt. Okay, salt will remain behind in the beaker. Have you understood it? That means humne kya kiya, जो हमारा सैंड और सॉल्ट का जो मिक्सचर था, इसको अलग करने के लिए हमने क्या किया, बीकर में इन दोनों का मिक्सचर लिया, उसमें कुछ पानी लिया और सॉल्ट को उसमें डिसॉल्व कर दिया। अब हमें बीकर में क्या नजर आ रहा है, सैंड एंड वाटर, क्योंकि सॉल्ट तो डिसॉल्व हो गया, दो वो प्रेजेंट है लेकिन हमें नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इसको किसके थ्रू अलग कर लेंगे, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस बीकर को थोड़े टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब किए आपको थोड़ी देर रख देना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स जो हैवी हैं वो बॉटम में जाके कलेक्ट हो जाएंगे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जब वो बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगे तो ऊपर आपका पानी साफ साफ आ जाएगा, उसको आप फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाटर तो आपके पास अलग आ गया, अब जो वाटर है सैंड तो आपकी अलग हो गई, अब ये जो वाटर है इसके अंदर क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट को अलग करने के लिए हम ऑलरेडी एक्टिविटी कर चुके हैं ना, वही हमें यहाँ पर रिपीट करनी है। क्या करना होगा, जो मिक्सचर है उसको हम हीट करेंगे पानी को, उससे क्या होगा, जो वाटर है वो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उस वेपर को हम कंडेंस कर लेंगे। कंडेंस करने का मतलब उसको कूल करेंगे और उस वेपर को वापस से वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारे पास वाटर है वो भी अलग बीकर में कलेक्ट हो जाएगा और पहले वाले बीकर में जिसको आपने हीट किया था उसके अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ सॉल्ट। ओके, दैट मीन्स वी आर यूजिंग हेयर थ्री मेथड्स, दीज आर डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड कंडेंसेशन। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर एज अ सॉल्वेंट। ओके, वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट बिकॉज मेनी थिंग्स, मेनी कॉम्पोनेंट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ओके,
वाटर के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो सॉल्यूबल होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, दिस कैन बी आस्क्ड टू यू विच वन इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर इट दैट वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, नाउ द सब्सटेंसेज विच डिजॉल्व इन वाटर आर सेट टू बी सॉल्यूबल इन वाटर। जो चीज़ें पानी में घुल जाएगी उनको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूबल इन वाटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड शुगर, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्ट एंड शुगर हर चीज़ में घुल जाएंगे, वो सभी के लिए सॉल्यूबल हैं, वो सिर्फ वाटर के लिए सॉल्यूबल है। ठीक है, नाउ जस्ट अपोजिट ऑफ दिस इज द सब्सटेंसेज विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्यूबल इन वाटर। जो चीज़ें पानी में नहीं डिजॉल्व होंगी, नहीं घुल पाएंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्यूबल इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल सैंड, ऑयल, ये मिक्स नहीं होते पानी में, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर। ओके, नाउ देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? ओके, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बीकर में पानी लिया, उसमें आप शुगर घोलते जा रहे हैं, ठीक है, आपने डिजोल्व करना स्टार्ट किया, उसे स्टिर करते जाएंगे, रेगुलर आप डालते जाएंगे, एक स्टेट ऐसी आएगी कि उसके अंदर और शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। ठीक है, उस सिचुएशन को कि उसमें अब और शुगर नहीं घुल पा रही है, तो जो आपके पास अभी सॉल्यूशन बना हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। दैट मीन्स उसके अंदर अब और कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने अंदर और शुगर घोल सके, ठीक है, और शुगर को डिजोल्व करवा सके, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं, सैचुरेटेड। हम इसका जो कैपेसिटी है इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ी सी चीनी और उसमें घुल जाएगी। ठीक है, अगर आप थोड़ा और बढ़ाओगे तो थोड़ी सी चीनी और घुल जाएगी, वो चेंज हो सकती है, इसीलिए हमने क्या कहा है, एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, जिस टेम्परेचर में आपने प्रोसेस स्टार्ट किया है उसी टेम्परेचर पर आपको ये कंटिन्यू रखना है, तब जो सिचुएशन आती है उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, तब तो सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस। ओके, यू नो दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, उनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी मैटर के अंदर जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स of a substance is called interparticle or intermolecular space। ठीक है, अब ये intermolecular space जो होता है ये हर matter की physical state पे depend करता है। ठीक है, अगर physical state आपकी solid है तो ये intermolecular space बहुत ही कम होगा, क्योंकि उसके अंदर particles एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में space से नहीं होता, liquid में moderate होता है और gases में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक molecule यहाँ है तो एक molecule यहाँ है, यानी उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम किस में हुआ, गैसेस में, और मिनिमम किस में हुआ, सॉलिड्स में। ओके, नाउ देयर इज एन एक्टिविटी टू शो दैट वाटर कैन डिजॉल्व अ सब्सटेंस ओनली अप टू अ लिमिट। ओके, दैट मीन्स वाटर किसी भी सब्सटेंस को एक लिमिट तक ही डिजॉल्व कर सकता है, उस लिमिट से ज़्यादा तो वाटर भी डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, जबकि हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, लेकिन फिर भी ये एक लिमिट तक ही किसी चीज़ को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, सो द थिंग्स नीडेड आर अ बीकर, कॉमन सॉल्ट, अ स्पून एंड वाटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी, टेक सम वाटर इन टू अ बीकर, यू कैन डू इट एट योर होम ऑल्सो। ओके, एड 1 teaspoonful ऑफ सॉल्ट, स्टर इट विद द स्पून अंटिल सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। आपको क्या करना है, एक बीकर में पानी लेना है, उसके अंदर 1 teaspoonful सॉल्ट डाल देना है, उसे स्टिर करते हुए डिजॉल्व करना है। ठीक है, अब यही प्रोसीजर आपको बार 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 रिपीट करते जाना है। ठीक है, गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर
salt. Okay. After adding a number of teaspoon of salt, we observe that some salt is left undissolved at the bottom of the beaker. ठीक है, थोड़े टाइम बाद हम क्या देखेंगे, कुछ टीस्पून सॉल्ट तो उसके अंदर घुसता जा रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में जब आप और ऐड करने लगेंगे तो आप देखेंगे बीकर के लास्ट में अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट बच गया, ठीक है, अब और ज़्यादा उसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो रहा और ज़्यादा सॉल्ट उसके अंदर नहीं घुल रहा, ठीक है, दैट मीन्स ये अब इस वाटर की लिमिट आ गई कि इससे ज़्यादा सॉल्ट इसके अंदर गिवन टेम्परेचर पे, जो हमारा रूम टेम्परेचर है, इसके अंदर और ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है. सो नाउ द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, ठीक है, इट इज सेट टू बी सैचुरेटेड, दैट मीन्स अब वो अपने सैचुरेटेड फॉर्म में आ गया, अब उसके अंदर आप और सॉल्ट डिजॉल्व नहीं कर सकते. इज इट ओके? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन. ओके, व्हाट इज सॉल्यूशन एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड? लेट्स सी. When a substance dissolves in a liquid, it breaks into smaller particles and accommodated between the interparticle spaces of a liquid. Okay, we have discussed the interparticle spaces, that means the space between the molecules or the particles of a substance is called interparticle spaces. Okay, so जब एक liquid के अंदर किसी substance को dissolve करते हैं तो जिसको हम dissolve कर रहे हैं उसके particles कहाँ जाएंगे? पहले तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे बहुत ही स्मॉलर पीसेस में और फिर वो जा करके जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उसके बीच में जा जा करके ऐसे अकोमोडेट हो जाएंगे. जैसे सपोज कीजिए ये इंटर स्पेस है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, तो इन जगहों पर आकर के वो फिक्स हो जाएंगे, ठीक है. नाउ द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है, जिस सब्सटेंस को हम घोल रहे हैं उसको तो हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे. नाउ And the substance in which the solute is dissolved is called solvent. ठीक है, और जिस liquid के अंदर ये जो solute है ये dissolve हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? Solvent कहेंगे, ठीक है. That means solute and solvent ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? Solution बना रहे हैं, ठीक है. That means solute dissolves in solvent to form solution. Okay. सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे. फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर क्या मिलाता है? बनाता है शुगर सॉल्यूशन. तो जो बन रहा है वो तो सॉल्यूशन है, ठीक है. यहाँ पे वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा और शुगर क्या होगी? हमारी सॉल्यूट होगी, ठीक है. द एक्सटेंट टू विच अ सब्सटेंस गेट्स डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है. कोई सब्सटेंस लिक्विड के अंदर जिस एक्सटेंट तक, जिस हद तक डिजॉल्व हो रहा है, जिस क्वांटिटी तक डिजॉल्व हो रहा है उसे हम उसकी क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कहेंगे, ठीक है. सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट जनरली इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर. जनरली जो सॉल्युबिलिटी है ये हम एक फिक्स टेम्परेचर पर निकालते हैं, ठीक है. अगर आप टेम्परेचर में राइज करेंगे तो अगर सॉलिड सॉल्यूट है तो जनरली, सभी केसेस में नहीं, जनरली जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है. जैसे रूम टेम्परेचर पे अगर आप शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो वो कुछ हद तक होगी, लेकिन जब आप उसको गर्म करेंगे तो आप उसी सॉल्यूशन के अंदर और भी शुगर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है. दैट मीन्स टेम्परेचर राइज करने पे सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो और इंक्रीज हो जाएगी और शुगर आप उसके अंदर ऐड कर पाएंगे. इज इट ओके? सो स्टूडेंट्स, डू एन एक्टिविटी एट योर होम, दैट इज एक्टिविटी 9. It is given in your book. To prepare a saturated solution of sugar at room temperature and observe the effect of temperature on the solubility of sugar in water. That means आपको क्या करना है? Sugar का एक saturated solution बनाना है water के साथ, ठीक है, और उस पे temperature rise का effect देखना है कि sugar की solubility पे क्या effect हो रहा है, ठीक है. For this activity, what you need? Sugar, a beaker, a spoon, water and a Bunsen burner, ठीक है. For this you have to take a beaker and some water in it, add sugar, stir it and dissolve it, okay. Then after some time you get saturated solution, okay. How will you come to know that it is saturated solution? You will see some sugar at the bottom of this beaker undissolved, okay.
दैट मीन्स आपने क्या किया, सबसे पहले एक बीकर लिया, उसमें पानी लिया, शुगर डाली, उसको डिजोल्व किया, स्टिर करते रहे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे आपकी एक्टिविटी कर रहे हो, तो थोड़ी देर बाद आपको क्या मिलेगा, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलेगा. आपको कैसे पता लगेगा कि सैचुरेटेड हो गया, आप जो और शुगर ऐड कर रहे हो वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगी, और कहाँ आपको दिखेगी, एट द बॉटम ऑफ द बीकर, ठीक है, ये यहाँ पे आपको कलेक्टेड दिखेगी. अब आप क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को जो सैचुरेटेड हो गया है, इसे आप यूजिंग अ ट्राईपॉड एंड बंसन बर्नर आप इसको गर्म कीजिए, ठीक है. व्हेन यू प्रोवाइड हीट यू विल सी दैट द अनडिजॉल्व्ड शुगर स्टार्ट डिजॉल्विंग. ओके, वो क्या हो गया, डिजॉल्व होना स्टार्ट हो गई, और आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट देयर इज नो अनडिजॉल्व्ड शुगर लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द बीकर, ठीक है. इस बीकर के बॉटम में कोई भी अनडिजॉल्व्ड शुगर आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है. That means this solution has become unsaturated now. That means जब temperature में rise हुआ तो क्या हो गया, ये जो solution था जो पहले saturated था, temperature rise होने पर कैसा हो गया है, unsaturated, क्योंकि अब नीचे कोई भी undissolved sugar नहीं है. अगर आप इसको और saturated बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, 2 or 3 spoonful sugar और dissolve करते जाइए, stir करते जाइए, वो फिर से saturated form में आ जाएगा, ठीक है. लेकिन हमें अभी वो यहाँ पे नहीं करना है. अब आप क्या करेंगे, इस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिर से कूल कीजिए, यानी इसका टेम्परेचर फिर से डाउन कीजिए, ठीक है. जैसे ही इसका टेम्परेचर डाउन होगा, प्रीवियस वाले टेम्परेचर पे आएगा, आप देखेंगे कि वापस से अनडिजॉल्व्ड शुगर आपको नीचे दिख रही है. दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी फिर से क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है. जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की थी, इस सॉल्यूशन को हीटअप किया था, तो क्या हुआ था, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई और जितनी भी अनडिजॉल्व्ड शुगर थी वो इसके अंदर डिजॉल्व हो गई, ठीक है. जब आपने इसको वापस कूल किया तो जो डिजॉल्व्ड शुगर थी उसमें से कुछ क्वांटिटी वापस से किस फॉर्म में आ गई, अनडिजॉल्व्ड फॉर्म में, और आपको वापस से एट द बॉटम ऑफ द बीकर नजर आने लग गई, ठीक है. दैट मीन्स जो ये आपका सॉल्यूट है शुगर, इसके अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज होती जाएगी. एक फिक्स टेम्परेचर पे इसकी सॉल्युबिलिटी फिक्स है, ठीक है. नाउ माइंड इट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉलिड सॉल्यूट, ओके. शुगर यहाँ पे क्या है, सॉलिड सॉल्यूट है, ठीक है. ऐसा हमेशा नहीं होता कि टेम्परेचर में राइज होने पर जो सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो. इन द केस ऑफ गैसेस, जैसे कि वाटर जो है, इसके अंदर गैसेस भी डिजॉल्व होती हैं. हमने इसको क्या बोला है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है. दैट मींस वाटर के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सब चीज़ें डिजॉल्व होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें इसमें डिजॉल्व हो सकती है, इसीलिए तो हमने इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा है, ठीक है. अब कुछ गैसेस भी इसके अंदर डिजॉल्व होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में वो डिक्रीज होने लग जाती है, जस्ट अपोजिट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है, ठीक है. जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो उस ऑक्सीजन को ही यूज करती है, ठीक है. जैसे जैसे समर्स में हीट, सनलाइट ज़्यादा होती है, हीट बढ़ने लगती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, तो जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी सोल्यूबिलिटी कम होने लग जाती है. इसीलिए जो शैलो पॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो इफेक्ट होने लग जाती है, फिशेज जो हैं वो मरने लग जाती हैं, ठीक है. इसीलिए जो डीप पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, डीप होंगे तो नीचे तक सनलाइट नहीं जाएगी, तो वहाँ ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में होती है, और इसीलिए वहाँ पे फिशेज या एक्वेटिक लाइफ हम कह सकते हैं अनअफेक्टेड रहती है, लेकिन शैलो पॉन्ड्स में ये अफेक्टेड होती है. सेकेंड एग्जाम्पल इज, हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, ठीक है. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हाई प्रेशर पे इसमें घोली जाती है, ठीक है, और फिर इसको सील पैक कर दिया जाता है. अगर आप इसे गर्मी में रखेंगे, आप फ्रिज से बाहर रखेंगे, तो आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर में फिर सारी खत्म हो जाती है, ठीक है. क्यों, क्योंकि टेम्परेचर राइज होने के साथ ही इसके अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सोल्यूबिलिटी खत्म हो जाती है. इज इट ओके नाउ? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर.